हेलो फ्रेंड्स, राजरानी की किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट चॉकलेट्स बॉल्स, वो भी मूंगफली से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हैप्पी हैप्पी बिस्किट लिए, ये 5 रुपये का आता है। इसका मैं मिक्सी जार में पाउडर बना लूँगी। इसे आपको फाइन पाउडर बना लेना है। पाउडर बन जाने के बाद इसे दूसरे बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। फिर मैं इसी जार में मूंगफली को रोस्ट करके इसका भी पाउडर बना लूंगी। इसे भी आपको अच्छा पाउडर बना लेना है। इसे हम मिक्स कर देंगे बिस्किट में। फिर मैं यहाँ पे डेरी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए जाऊँगी। एक बार में आपको चॉकलेट ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करना है और इसे अच्छे से गूंथ लेना है, जैसे कि मैं आटा गूंथती हूँ। और उस देख लेना है कि बॉल्स बन रहे हैं कि नहीं, तब तक आपको ये चॉकलेट डालते हुए जाना है। इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं और एक प्लेट पे साइड पे हम रखते जाएंगे। इसी तरीके से मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। फिर मैं यहाँ पे वाइट चॉकलेट ली हूँ, इसमें मैं डिप करूँगी। और वाइट चॉकलेट में मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया था जिससे कि शाइनिंग आए। और इसे बटर पेपर पे आपको रखते हुए जाना है, जिससे कि बटर पेपर पे ये चिपके ना। इस तरीके से मैं सारे इसमें रख दूँगी। चॉकलेट सारे बन जाने के बाद फ्रिज में 15 मिनट के लिए इसे रख दें। 15 मिनट के बाद ये अच्छे खासे सेट हो जाएंगे। फिर मैं इसे वाइट चॉकलेट से डेकोरेट कर दूंगी। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से सारे चॉकलेट्स बॉल को मैं डेकोरेट कर दूंगी। ये देखिए, मैंने इसे बटर पेपर पर रखा था इसलिए ये चिपका भी नहीं है। अब मैं इसे एक कट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बना है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।